ये है ब्लू व्हेल का स्केलेटन। मस्ट विजिट करना, हम लोग तो नहीं कर पाए रॉसलैंड को विजिट। वो वाला शायद बी आर अम्बेडकर जी का कुछ है, ऑफिस वगैरह कुछ है। अभी तुम लोगों को मैं डिटेल्स वगैरह दे देता हूँ। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग, जहाँ पर हम करते हैं मजे रिजु के साथ। तो आज बेसिकली हम लोगों का लास्ट डे ऑफ अंडमान टूर। आज हम लोग वैसे दूर कहीं पर नहीं जाने वाले हैं, आज नॉर्मल यहाँ पर साइट सीन वगैरह करने वाले हैं। यहाँ पर दो एक्चुअली म्यूजियम है, एक है नवल मेरीन म्यूजियम एंड दूसरा है मेरीन एक्वेरियम। उन दोनों में आज हम जाने वाले हैं। एंड आज का वेदर देख रहे हो, इतना धूप नहीं है यहाँ पर, आज नॉर्मल वेदर है। ये है ब्लू व्हेल का स्केलेटन। आज का वेदर एकदम शांत है, क्लाउडी जैसा, एकदम धूप वूप कुछ नहीं है। यहाँ पर भी मछली है, एक्वेरियम पर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। इसके अंदर ये है, यहाँ पर भी वो एक शार्क का स्केलेटन रखा हुआ है, स्केलेटन ऑफ स्पर्म व्हेल। ओके, स्पर्म व्हेल का स्केलेटन है ये वाला। अभी तुम लोगों को मैं डिटेल्स वगैरह दे देता हूँ।
कि जो नेवल म्यूजियम है वहाँ पर तुम्हें घुसने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया जाता है, फोटोज वीडियोस वगैरह इंक्लूडेड है। वहाँ पर एक एक्वेरियम जैसा है, वहाँ पर तुम्हें वीडियोस फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। और ये जो एक्वेरियम है ये है सेलुलर जेल के नीचे वाला एक्वेरियम, यहाँ पर तुम्हें पर पर्सन 10 रुपीज़, उसके बाद अगर तुम वीडियो फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अब क्या है कि यहाँ पर उतना कुछ नहीं है जितना वहाँ पर था, वैसा ही यहाँ पर भी है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर तुम्हें मेरिन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो तुम आओ यहाँ पर, ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरिन लाइफ देखने में। ये मैंने पहले ही बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, पर यहाँ पर तुम्हें क्लाउन फिश देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर तुम्हें क्लाउन फिश नहीं मिलेगा। क्लाउन फिश अलग लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है देखने में क्लाउन, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट में निकल रहे हैं और ये देख रहे हो पीछे वो लगेजेस है, ये लोग कहाँ पर गए हैं पता नहीं। ये जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन भी लगेजेस यहाँ पर ही था, और जिस दिन हम हैवलॉक नील घूम के आए उस दिन के पिछले वाले दिन ये लोग आए थे और उसी दिन फिर से निकल गए। ये लोग शायद बहुत घूम रहे हैं, बहुत दूर गए हैं और इसीलिए यहाँ पर। तो बेसिकली यही करते हैं लोग, अगर तुम्हारी यहाँ पर मतलब गेस्ट हाउस वगैरह है तो वहाँ पर ही लगेजेस रख के चले जाते हैं, ज़्यादा लगेजेस ले जाना कोई मतलब की बात नहीं होती। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर ही पास में है मार्केट तो वहीं पर जा रहे हैं ऐसे ही मैं एकदम। ये देखो आंदामान में ये बहुत पॉपुलर प्लेसेस है जहाँ पर से हम लोगों ने राधानगर बीच, सेल्युलर जेल एंड और कुछ भी हमें नहीं घुमाया, ये दोनों बस घुमाए हम लोगों ने, ये अभी भी बाकी है। ये तो बहुत दूर है, बहुत ही दूर है ये। ये है हम जहाँ पर बारटंग आइलैंड गए थे लास्ट दिन, उससे भी ज़्यादा दूर है ठीक है। यहाँ से सिंगल ट्रिप 200 किलोमीटर का पड़ता है ये वाला, ऑलमोस्ट। ये मड वॉल्केनो, बैरन आइलैंड में इंडिया की एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो है वो है बैरन आइलैंड पे। एंड यहाँ पर तो रॉस आइलैंड तुम जा सकते हो, रॉस आइलैंड मस्ट विजिट करना। हम लोग तो नहीं कर पाए रॉस आइलैंड को विजिट, रॉस आइलैंड में बहुत कुछ देखने को है। यहाँ पर है चथम आइलैंड, यहाँ पर एक वो है क्या किसी चीज़ का एक फैक्ट्री है यहाँ पर, वो मैं बाद में बता दूंगा आप। और ये है वाइपर आइलैंड में, ये मतलब ये और अभी जाते हैं लोग या फिर नहीं वो पता नहीं है, ज़्यादा टाइम ये बंद रहता है, ये मतलब ऐसे रिनोवेशन ये सब वगैरह के लिए बंद रहता है ऑलमोस्ट। दो नाइट एडिशन कट है, ये है नाइट एडिशन ब्लैक वाला एंड ये है नाइट एडिशन सिल्वर वाला, पर देखने में वो ज़्यादा अच्छा लगता है नाइट एडिशन ब्लैक वाला, पूरा ब्लैक है, इसमें तो सिल्वर है, क्रेटा ब्लैक में ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। बैंक यहाँ पर है गांधी चौक, और यहाँ से गांधी चौक के राइट में ही एक मार्केट है ऐसा करके ये वाला, तो यहाँ पर ही हम अभी जाने वाले हैं, यहाँ पर मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए, जो भी कुछ ख़रीदना है यहाँ से ख़रीद सकते हो तुम लोग। एंड यहाँ पर भी है नीरज टेक्सटाइल ये सब वगैरह है यहाँ पर, ये शायद मॉल जैसा कुछ है, लक्ष्मी नाम है कुछ उसका, टेक्सटाइल लक्ष्मी। तो यहाँ पर है पुलिस स्टेशन 0005, इसका नंबर देखो AN5000, इसका ही मस्त नंबर, ऐसा नंबर चाहिए भाई ऐसा। यहाँ का म्यूनिसिपलिटी ऑफिस वो वाला शायद BR अंबेडकर जी का कुछ है ऑफिस वगैरह कुछ है। यहाँ पर है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, ये एकदम प्रॉपर सिटी है, हम जहाँ पर रुके हैं ना ये एकदम प्रॉपर सिटी है। वैसे आज का दिन होता है ख़त्म, और आज तो वैसा कुछ नहीं था, आज ऐसे ही बस टहल रहे थे रूम में ऐसे ही। अभी मैं थोड़ा सा डिनर वगैरह करके नीचे आया हूँ, नीचे का थोड़ा सा माहौल देखते रात का अंतमा, क्योंकि सुबह तो मैं नहीं देख पाया था, सुबह किसी दिन भी नहीं, एक दिन भी मैं नहीं देख पाया। पापा फिर भी देखे थे आज ही, पापा सुबह जल्दी जल्दी उठ के थोड़ा सा पहाड़ का थोड़ा सा देखने गए थे। एंड अभी शायद ये बैंक हो रहा है एकदम, ये एक स्टाफ निकला एंड एक स्टाफ ऊपर की तरफ गया, शायद वो ऑडिटर था या फिर कोई भी, क्योंकि वो भी आया है, वो यहाँ पर रुका हुआ है। एंड यहाँ पर एक स्टाफ निकला, अभी गेट खुला हुआ है यहाँ पर का। अभी तो आज का दिन ख़त्म होता है, इसी के साथ आंदामान का टूर भी ख़त्म होता है हम लोगों का। एंड या आंदामान टूर बहुत अच्छा गया, पर वो जो बारह टांग का जो
ये था ना वो क्या बोलते हैं उसे, बार टांग का जो टूर था वो थोड़ा सा दिक्कत दिया हम लोगों को। वो तो हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा, क्या क्या यहाँ के आदिवासियों को देखना है, क्या इंसान को देखना है, वो थोड़ा सा वो लगा। पर खैर कोई बात नहीं है, यहाँ का ठीक है। चलो बाहर का ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ कम हो चुका है, दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो बाहर का बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ कम हो चुका है, बहुत ही कम गाड़ियाँ अभी बाहर है यहाँ पर। ये शायद बैंक के स्टाफ से है या फिर कुछ नहीं पता नहीं। ये देखो बाहर का माहौल देखो, बहुत ही शांत, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। चलो इसी के साथ आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही ख़त्म, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, अलविदा, सी यू अगेन। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी वीडियो को कर दो लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, अलविदा, सी यू अगेन। जय हिंद।